हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दलिया यानी ब्रोकन वीट की 6 हेल्दी रेसिपीज, और ये सारी रेसिपीज सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगी। करना क्या है आपको, दलिया लेना है, ये 1 कप दलिया है और इसे हम पकाएंगे। पहले 1 छोटी चम्मच देसी घी मैंने यहाँ लिया है और इसमें हम रोस्ट करेंगे अपने दलिया को। आपको मीडियम से लो हीट पर रोस्ट करना है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी है और इसे चलाते रहना है। दलिया बहुत हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए, इट इज़ लोडेड विद फाइबर, और जो हम नॉर्मली आटा खाते हैं उससे अगर आपको वेट लॉस के लिए ट्राई करना है तो ये दलिया खाइए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 1 कप दलिया में हमने 2.5 कप यानी 2.5 कप्स ऑफ वाटर ऐड किया है और इसे अगेन जब तक एक पूरा बॉयल ना आ जाए हमें इसे पकाना है और फिर ढक देना है, आंच को कम कर देना है और 15 मिनट तक पकाना है। ये हमारा दलिया पककर तैयार हो गया है। 1 कप अनकुक्ड दलिया से आपको 4 कप कुक्ड दलिया मिलेगा, यानी 4 गुना वो बढ़ जाएगा। पहली रेसिपी है कैरेट नट्स एंड सीड्स का दलिया। मीठे से शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है 3 छोटी गाजर और मैं इन्हें कद्दूकस कर रही हूँ यानी ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेटर जो है आप छोटा भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी ग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये ऑरेंज अवेलेबल है, अदरवाइज रेड कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, रेजन्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये सब हम अपने रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 इलायची जो ली थी उन्हें कूट कर थोड़े घी में डाल दिया है। यहाँ पर आलमंड्स चॉप करके डाल दिए हैं, ये हैं पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स। मैं इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, बहुत कम घी मैंने यहाँ डाला था, आप आधी चम्मच भी ले सकते हैं। और हाँ, इस रेसिपी के लिए देसी घी लीजिएगा। ये जो सीड जो छिलका था कार्डमम का वो मैंने अलग कर दिया है और अपनी कैरेट्स को डाल के इन्हें भी मैं हल्का सा सौते कर लूँगी अपने सीड्स के साथ और नट्स के साथ, और रेजिन्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इन्हें चलाते रहना है, धीरे धीरे ये सिकुड़ कर थोड़ी कम हो जाएंगी एंड देन ये 3/4 कप कुक्ड दलिया, 3/4 कप कुक्ड दलिया मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से पकाकर उतना ही जितना हमने दलिया लिया है उतना ही यहाँ पर मैंने दूध इसमें डाल दिया है, काओ मिल्क है, इसे कुक करना है हमें। और ये देखिए हमारी हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई है। गैस को बंद करके आप इसमें गुड़, मीठे के लिए जैगरी ऊपर से डाल सकते हैं, आप हनी भी डाल सकते हैं। चीनी का यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नेचुरल शुगर होता है गुड़, उसे ग्रेट करके डालिए और उसे गैस जब ऑन होगी तब नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है और वो फटकर रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो गैस बंद कर दीजिए एंड देन अपना गुड़ ऐड कीजिए। तो हमारी पहली रेसिपी तैयार है, सर्विंग फॉर 1, और आप इसे ब्रेकफास्ट में या डिनर में खा सकते हैं। हाई प्रोटीन दलिया सैलेड। नाउ हाई प्रोटीन दलिया सैलेड बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन में अगेन हमने आधी चम्मच यहाँ पर लिया है ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने थोड़े से क्यूमिन यानी जीरा डाल दिए। उसके बाद ये है कैप्सिकम, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कटे हुए, इन्हें हम सौते करेंगे। कैरेट्स को भी हम सौते करेंगे। कैरेट्स और कैप्सिकम जो होती हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। तो वही वेजिटेबल्स, आप सीजनल वेजिटेबल्स डालें लेकिन जल्दी पक जाएं। ये है काला चना उबला हुआ ऑलरेडी, 3 से 4 मैंने यहाँ पर टेबलस्पून लिया है। और यह 30 से 40 ग्राम टोफू, टोफू यानी सोया का पनीर, सोयाबीन का पनीर इज़ लोडेड विद प्रोटीन। और अच्छी बात क्या है कि इसमें फैट बहुत कम होता है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक और जो भी आप स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ड्राई हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। और इसे अगेन हम थोड़ा सा चलाएंगे और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने 1 कप कुक्ड दलिया। और इसे भी अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था, आप इसे 3 दिन तक कुक करके आप अपने दलिया को अप टू 3 डेज तक फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कीजिए। बहुत ही इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके लिए। आप ऑफिस से आए और जल्दी से कोई भी इनमें से रेसिपी तैयार की और खा ली। टोफू की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। यहाँ पर 1 क्यूकम्बर और 1 यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, चिली फ्लेक्स, और इसमें डाल दिया है लेमन जूस, और जो पका हुआ मेरा जो मिक्सचर है जो बहुत जल्दी पक गया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। हमें वेजिटेबल्स को पूरा कुक नहीं करना है, हमें उसको सिर्फ हल्का सा सौते करना है। स्पेशली जो मॉनसून का मौसम होता है वहाँ कच्ची सब्जियाँ खानी अवॉइड करनी चाहिए, तो आप इस तरह उसे खा सकते हैं। हमारा ये हेल्दी हाई इन प्रोटीन सैलड बनकर तैयार हो गया, आप इसे लंच में इंजॉय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रेसिपी है
दलिया के कबाब्स या कटलेट्स। नाउ ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक कप मैंने यहाँ पर कुक दलिया लिया है, एक कटा हुआ प्याज, सिंपल इंग्रेडिएंट है, कोई डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पोटैटो लिया है और एक कप ही यहाँ पर कुक्ड सोया ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, सोया के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, अमचूर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। नाउ अगर आप नॉन वेज के फ़ैन हैं लेकिन उसे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज़ येस इस मौसम में इतना अच्छा नॉनवेज मिलना नहीं पॉसिबल है, तो ये रेसिपी जो है अगर आप वीगन हैं और वेजिटेरियन हैं तो ये रेसिपी आपको नॉनवेज का टेस्ट भी देगी। बहुत ही टेस्टी होते हैं कटलेट्स। ये सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यूजिंग हैंड्स और इसके छोटे छोटे कटलेट्स बना लेंगे। अब देख रहे हैं कितनी जल्दी ये सारी रेसिपीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। आपको करना क्या है, अपना दलिया कुक करके रखना है, प्री कुक करके रखना है ताकि आपको उस समय ना पकाना पड़े जब आप अपनी रेसिपी बना रहे हैं। आप पका सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज़ अगर नहीं है, अगर आपका रूटीन बहुत बिजी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप उसे कुक करके रखें। और अप टू 3 डेज़ एक तवे पे, एक गरम करके हमने तवा रखा है उस पे मैंने कटलेट्स डाल दिए हैं और एक चम्मच मैंने यहाँ पर लिया था ऑलिव ऑयल और उसमें 3 कटलेट्स मैं अपने पकाऊंगी। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ इस तरह से इसे बहुत ही कम ऑयल में रोस्ट करना है और दोनों साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दैट मीन्स योर कटलेट्स आर डन। आपको आँच यहाँ पर लो रखनी है, लो से मीडियम हीट पर आपको ये पकाने हैं, आपको गर्म, बिल्कुल गर्म फ्लेम्स पे, तेज़ फ्लेम्स पे इन्हें नहीं पकाना है। कमिंग बैक टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस दलिया, फाइबर में रिच होता है, मिनरल्स एंड विटामिन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। वीट जो होता है इन जनरल इट्स हेल्दी बट इट इज़ एडवाइसेबल कि उसको जितना कम हो सके फ्लावर के फॉर्म में खाना चाहिए और मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दलिया ऑमलेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है एंड आई जस्ट लव दिस रेसिपी। ब्रेकफास्ट में सबसे इंस्टेंट रेसिपी है ये। 3 से 4 चम्मच पका हुआ मैंने यहाँ पर लिया है दलिया, उसमें 2 eggs मैं बीट करूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, ये है 2 eggs और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है हमें, जैसे हम अपना ऑमलेट बीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हमारा दलिया भी उस मिक्सचर में बीट हो रहा है एग्स के, उस एक एग्स के साथ। इसे बीट करने के बाद हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल, उसमें जीरा डाल दिए, जीरा मेरा फेवरेट हर्ब है, मैं हर रेसिपी में इसे ऑलमोस्ट ऐड करती हूँ। गार्लिक डाला था मैंने 1 कटा हुआ और ये है 1 छोटा कटा हुआ प्याज। इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे हम, यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा सा स्पाइस ऐड किया है और अब मैं इसमें अपना मिक्सचर ऐड कर दूंगी और इस मिक्सचर के साथ ही बिल्कुल मैं टमेटोज़ ऐड करूंगी। नाउ कई लोगों को ऑमलेट में टमेटोज़ नहीं पसंद होते हैं, लेकिन स्किप इट, मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे उनका टेक्स्चर वही चाहिए, मुझे वो बिल्कुल सॉफ्ट ऑमलेट्स में सॉफ्ट टमेटोज़ पसंद नहीं है। तो आप ऐसे करिए, थोड़ा उसे हिलाने के बाद, थोड़ा सा जब लगे कि वो पकने लगा है तो इस तरह की शेप उसे दे दीजिए आप अपने पैन के नीचे, एक राउंड शेप, एंड देन कवर करके थोड़ी देर उसे पकाना है। अब इसे इस तरह से फ्लिप करना है, आप प्लेट ले सकते हैं बट मेरे ऊपर हैंडल है उसमें जो मैंने यूज़ किया है। इफ़ यू डोंट हैव दैट तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फ्लिप करने में इसे, और फ्लिप करने के बाद थोड़ी सी देर इसे नीचे भी नीचे की तरफ से पकाएंगे और हमारा ऑमलेट, हेल्दी दलिया का ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस रेसिपी में बेसन यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, या फिर चना दाल जो होता है उसका आटा यूज़ करके बना सकते हैं अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते। नाउ दलिया की पनीर भुर्जी या उपमा, ये मॉर्निंग के लिए या लंच के लिए या डिनर के लिए, तीनों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। अगेन क्यूमिन सीड्स को मैंने थोड़ा सा ऑयल में डाल के क्रैकल किया है, उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं अपने यहाँ पर प्याज, ये गाजर कटी हुई, कैप्सिकम, इस सीज़न में यही सब्जियां अवेलेबल हैं तो आई एम यूजिंग दीज। अदरवाइज़ अगर कोई और सीज़न में आप इन रेसिपीज़ को पका रहे हैं और आपके पास और भी ऑप्शंस हैं तो उन्हें यूज़ कीजिए। तो सॉल्ट, स्पाइस का मिक्स, टर्मरिक पाउडर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, चिली पाउडर, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर 1 कटा हुआ। ना मैं टमाटर प्याज के साथ कम डालती हूँ क्योंकि उससे पूरे गल जाते हैं, वो आई प्रेफर कि थोड़ा थोड़ा उनका टेक्सचर रहे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपना पका हुआ 1 कप दलिया और अब मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि सारी जो चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। एंड नाउ 40 grams of grated पनीर आप इसमें डालिए। ना ये रेसिपी जो है
ये क्या, बाकी सारी रेसिपीज में अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन का मैंने स्पेशली ख्याल रखा है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट तो आपको फाइबर के साथ साथ जो आपको दलिया से मिलेगा आपको चाहिए प्रोटीन. और मेरी हर रेसिपी में इफ़ यू हैव नोटिस्ड देयर इज एम्पल ऑफ प्रोटीन जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा. और हेल्दी, आप बच्चों को भी ये रेसिपी दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये रेसिपी है. दलिया की खिचड़ी, ना ये भी बहुत एक हेल्दी रेसिपी है. एक कप मैंने यहाँ पे अनकुक्ड दलिया लिया है, यहाँ पे दलिया कुक नहीं है. 3 टेबलस्पून अरहर दाल, 3 टेबलस्पून स्प्लिट मूंग दाल मैंने यहाँ ली है, 3 टेबलस्पून मसूर की दाल ली है, 3 टेबलस्पून उड़द की दाल और 3 ही टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिए हैं राइस. तो बहुत ईजी, आपको कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. एक पूरा आपको कप भर के लिया लेना है अनकुक्ड दलिया और 3 टेबलस्पून बाकी सारी. मैं हल्का सा क्यूमिन के साथ और थोड़े ऑयल के साथ अपने दलिया को रोस्ट कर रही हूँ. और ये सारे जो दालें हैं, चावल हैं, उसे हमें वॉश कर लेना है. अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे यूज़ करना है. जब तक वो रोस्ट हो रहा है मैं फटाफट इसे वॉश कर देती हूँ. और अब वो रोस्ट हो चुका है दलिया जो हमने रोस्ट किया था, उसमें ऐड कर दीजिए. मैं यहाँ प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ. आप ये रेसिपी नॉर्मल भी पैन में, बड़े से पैन में जो मैंने शुरू में दलिया कुक करने के लिए यूज़ किया था उसमें बना सकते हैं. 2 से 3 ग्लास, या मुझे जो ये रेसिपी है ये थोड़ी सी कम पानी की पसंद है क्योंकि मैं ग्रेवी खाना पसंद करती हूँ या इसको दही के साथ खाना पसंद करती हूँ. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा खिचड़ी लिक्विड ही चाहिए होती तो आप इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे, 2 नहीं. एक बॉईल आने तक इसे पकाना है और फिर लिड लगा कर आपको विसल लगा देनी है और 3 विसल तक पकाना है. ना बॉईल क्यों आना देना ज़रूरी है, जब बॉईल आ जाता है तो इसमें लम्स नहीं रह, लम्स रहने के चांसेस कम हो जाते हैं. हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है और इस खिचड़ी को सर्व कीजिए आप वॉर्म. डिनर में खा सकते हैं आप इसे, लंच में खा सकते हैं. बहुत ही टेस्टी है. और जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी आप डिसाइड करेंगे. अगर आपको ऐसी खिचड़ी पसंद है तो 2 कप, नहीं तो 3 ग्लास पानी आपको ऐड करना है. मैं इसे ग्रेवी के साथ इंजॉय करती हूँ. आप इसे दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं लंच में. ग्रेवी कोई भी हो सकती है, अगर नहीं है तो आप इसे थोड़ा पतला करके खाइए. आप इसमें टमाटर, प्याज, सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड. तो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे. और यस, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री. और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आपके पास उसका अपडेट फटाफट पहुँच जाए. एंड येस, ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. बाय बाय, सी यू सून.